फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल जीनियस कंप्यूटर क्लास। आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए। आज की इस वीडियो में बताऊंगा कि कैसे आप अपने डॉक्यूमेंट को सिक्योर रख कर सकते हैं और उसे सिक्योरिटी लगा सकते हैं। फ्रेंड्स, जैसा कि हम जानते हैं, अपने कुछ पर्सनल डॉक्यूमेंट रखते हैं अपने पीसी में चाहे लैपटॉप में, उसे अगर हमारे सिवा कोई और ओपन करता तो हमें ज़्यादा भी अच्छा नहीं लगता है। इसलिए आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जानिए कि इस वीडियो में कैसे अपने हम डॉक्यूमेंट में पासवर्ड लगा सकते हैं ताकि सिर्फ उसे हम ही ओपन कर सकें और कोई ओपन ना कर सके। तो फ्रेंड्स, सबसे आपको पहले अपने डॉक्यूमेंट को ओपन कर लेना। जैसे मैं दिखाता हूँ, मैंने यह रिज्यूम बना कर रखा था, इस रिज्यूम को ओपन कर लिया मैंने। उसके बाद मुझे अपने फाइल पर जाना है, फिर जो सेव एज़ के ऑप्शन पर क्लिक करना है। सेव के बगल में देखिए टूल्स का ऑप्शन है, मैं टूल्स का ऑप्शन में क्लिक करता हूँ और थर्ड ऑप्शन हमारा जनरल ऑप्शन, इस पर मैं क्लिक करेंगे। फिर मुझे पासवर्ड रिकमेंड करेगा, मैं पासवर्ड यहाँ पर डाल दूंगा। फिर हमें ओके कर देना है और फिर जो फिर से कंफर्म पासवर्ड बोलेगा, मैं फिर से ओके कर दूंगा और ओके कर दूंगा और फिर मुझे सेव कर देना है। सेव की जगह हमारा पासवर्ड लग चुका है, इसे हम फिर कट कर लेंगे और देखेंगे कि हमारा पासवर्ड लगा कि नहीं लगा। तो इसे हम ओपन करके देखते हैं। देखिए, जैसा कि मैं पासवर्ड यहाँ मांगा रिकमेंड करता है। इस तरह आप अपने डॉक्यूमेंट पासवर्ड लगा सकते हैं और आपने जो भी पासवर्ड वहाँ पर सेव किया था आप उसे यहाँ पर डाल दीजिएगा और एंटर प्रेस कर दीजिएगा, आपका ये जो कि डॉक्यूमेंट होगा वो ओपन हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आपने जाना कि कैसे हम अपने डॉक्यूमेंट पासवर्ड लगा सकते हैं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मुझे पूरी उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो ये वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके फ्रेंड्स, बाय।